अगर आप सरकारी सेवाओं में जाकर समाज की सेवा करने का सपना देखते हैं तो सही रणनीति और सशक्त टीम के साथ करें तैयारी यूपीएससी और एमपीपीएससी की हमारे साथ द नॉलेज कैंपस इंस्टीट्यूट इंदौर। मध्य प्रदेश की तेज तलवार और चर्चित विधायक रामबाई के किस्से तो आपने खूब सुने हुई है, लेकिन रामबाई को वोट देवे के चलते एक परिवार बिछड़ के फिर से मिल गओ। बेहद अनूठी खबर है दमोह जिला की पथरिया से। इतने रहने वाली एक महिला जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, वे ना तो अपनों नाम सही बता पा रही और ना अपनों पता। 10 महीना पहले वो पथरिया से गुम हो गई। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती, सो महिला को ढूंढने के प्रयास तो भय लेकिन सफल नहीं हो पाए और थक हार के महिला को ढूंढवे बंद कर दो। लेकिन जब महिला दमोह से पहुँच गई थी मुंबई और मुंबई में श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन के लोगों ने इनको अपने घर तक पहुंचावे को बीड़ा उठाओ। पहले तो ये महिला से पूछे गओ कि तुम कितने की आओ, जो कभी उन्हें बीना को नाम बताओ, कभी दमों को बताओ, कभी कटनी को बताओ। सो यही वजह से स्वयं से भी संस्था के लोगों को जो तो समझ में आओ कि महिला मध्य प्रदेश की निवासी है, लेकिन कितने की निवासी है जो नहीं बता पा रही थी। ए बीच में अचानक से सवाल पूछे महिला से कि तुमने वोट दो तो बोली हाँ दो तो, लेकिन जो वोट की को दो तो जब महिला बोल पड़ी तो उन्हें रामबाई को वोट दो तो, यानी जो महिला अपनों घर पता सब कछु भूल गई उखो रामबाई को नाम याद हतो और जोई संयोग बने तो संस्था के लोग महिला को लेकर पथरिया थाने पहुँचे और इसके बाद ढुलाई भई सो पतो चले कि महिला को नाम रूपा है, इनके पति हैं परसोत्तम अहरवार। परिवार के लोगों को बुलाओ गओ, सो उनकी बात से पुष्टि भई कि महिला काफ़ी समय से बीमार चल रही थी और मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई थी और ए वजह से अपने घर से कतों चली गई थी, जो रामबाई के नाम पे फिर से मिल गई हैं। श्रद्धा फाउंडेशन है मुंबई से, इसकी जो है ये कालिदास की तरफ से एन जी ओ वर्कर है। आज वहाँ पे थाने में उपस्थित हुई थी एक महिला है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जो अपना नाम सही से नहीं बता पा रहे थे और इनको ये मुंबई में से ये महिला इनको मिली तो उस टाइम पे की प्रेगनेंट थी, बच्चा वाला डिलीवरी हुई थी और उसके बाद इसे जब इन लोगों ने लगातार पूछते रहे तो इन्हें बस इतना बताया सागर कटनी बीना ऐसे कुछ बता रहे थे, क्लियर कुछ बता नहीं पा रहे थे। उसके बाद इन्हें फिर जब ये लोग बीना उसको लेके आए महिला को, इनने कार्ड के बारे में पूछे तुम्हारे पास कुछ आई कार्ड है क्या एन जी ओ वालों में, इनने ये बोला कि पूछा कि वोट डाले हो क्या किसानों से, तभी इन्हें बताया कि हाँ वोट डाले हो। पूछा गया किनको वोट डाले तो इन्हें बताया कि रामबाई का नाम है अपने मान्य विधायक अखेरे विधायक। उसके बाद ये लोग इनको लेके थाने आए, इस पर हम लोगों ने अपने सूत्र के माध्यम से इसकी फोटो वगैरह दिखवाई पूरे कॉलोनी में कसों में, जिसके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो महिला है ये पोषित जी। एक्चुअली हम इधर आए थे, इधर एक पेशेंट है जो मेंटल पेशेंट है, तो हम बॉम्बे से आए हैं। हमारा श्रद्धा संस्था है जो श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन, तो ये हमारे मेंटल इलनेस के ऊपर काम होता है और हमारा जो फाउंडर है वो डॉक्टर भरत भटवानी, तो यहाँ पे वो हमें ये लेडी जो मुंबई के रोड साइड पे मिले थे विथ बेबी, तो बेबी का करीब 8-9 महीना उसका उम्र है, तो उसने वो बेबी जो है अंडर CWC के अंडर थे, तो फिर हम CWC से डिस्चार्ज करके बेबी को एंड पेशेंट को हम हमारे अंडर में लेके आए। फिर आफ्टर ट्रीटमेंट साइकेटिक ट्रीटमेंट होने के बाद वो थोड़ी बहुत प्लेस का नाम बोली, जैसे कटनी और दमो ऐसा कुछ नाम बोली है बीना। तो हम फर्स्ट बीना पे गए थे, फिर उधर पे पुलिस स्टेशन पे जाके पता चला या आगे आसपास कुछ विलेज का रिसर्च किया, बट वो हमें एड्रेस नहीं प्रॉपर प्लेस नहीं कर पाए। फिर वहाँ के पुलिस स्टेशन पे जाके उसने बोला कि इधर पे कुछ उसने इलेक्शन पे वोट दिया था, तो वोट के हिसाब से हमें थोड़ा मतलब वो MLA का नाम इधर का बोले, तो उस हिसाब से हमें आइडिया हो गया कि ये यही मतलब दमों के अंदर पड़ता है। फिर हम इधर आए, आने के बाद यहाँ का पुलिस स्टेशन पे भी बहुत हमें हेल्प किया, तो उस हिसाब से हम उनका जो हस्बैंड का एड्रेस या वट एवर इट इज़ हम ट्रेस कर पाए। तो कितने दिन पहले मिली थी? एक्चुअली ये हमें मिले थे करीब 7-8 महीने पहले, बच्चा भी उसके उस टाइम ही डिलीवरी हुआ था। ठीक है, हालांकि ये पूरे मामले में रामबाई को कछु लेबो देबो नहीं, लेकिन
चर्चित होबे को कितु नुकसान होत तो कितु फायदा भी होत। फिलहाल फायदा भाव है राम बाई के नाम पे मिल गओ है बिछड़ो परिवार और मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला अब अपने घर के पास पहुंची है, अपने घर के लोगन के पास पहुंची है और जल्दी स्वस्थ होकर अपनो अच्छो जीवन बितावे। जय शुभकामना। पथरिया से आफ्ताब खान बुंदेली बौछार के लाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को यूट्यूब पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।